अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार व्लॉग्स। बेकिंग सोडा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ बनाने के लिए जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ना ही सिर्फ ये कुकिंग के लिए बल्कि ये क्लीनिंग में भी ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना किचन और अपना घर इस बेकिंग सोडा से कैसे जो है चमकाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेली यूज़ वाली जो पिलोज़ होती हैं उनके कवर तो हम लोग चेंज करते हैं और वॉश कर देते हैं, नए कवर चढ़ा दिए, लेकिन कभी आपने पिलोज़ के कवर निकाल के अंदर से देखा है उसको? उसकी असलियत तभी आपको पता चलेगी जब आप उसको खोल के देखेंगे। पिलोज़ के ऊपर जो है ना वो कई तरह के स्टेन्स लगे रहते हैं, कभी तेल का दाग लग गया तो कभी जो है पसीने का दाग है, और पसीने की स्मेल भी अक्सर जो है पिलोज़ के अंदर आती है। बस क्या करना है कि इसको हमें रेगुलरली वॉश करते रहना है। सो डेढ़ महीने में एक बार जो है ना मैं अपनी पिलो को ज़रूर वॉश करती हूँ, और मैं अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ही इसको वॉश करती हूँ, हाथ से धोने का झंझट भी नहीं है। सो एट अ टाइम एक ही पिलो मैं डालूंगी मशीन में, और उसके बाद जो इसका मेन कंपार्टमेंट है जहां हम वॉशिंग पाउडर डालते हैं अपना नॉर्मली, उसमें मैं डालूंगी 4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है ना ये उतना डालना है जितनी आपकी पिलो गंदी है, तो मैं फ्रिक्वेंटली वॉश करती रहती हूँ इसलिए मेरे 4 चम्मच से काम चल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नॉर्मल वॉशिंग पाउडर डालूंगी, और बेकिंग सोडा की स्मेल निकालने के लिए जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा खुशबू वाला कोई डिटर्जेंट डालेंगे। तो ये डाउनी मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाल दी हूँ। अब इसकी साइकिल जो है ना वो हमें बहुत हैवी वाली नहीं सिलेक्ट करनी है, सो यहाँ पे मैं क्विक 30 सिलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन इसका स्पिन जो है ना वो मैं हाईएस्ट रखूँगी, जो भी आपके मशीन में हाईएस्ट होगा। और थोड़ा गर्म पानी से इसको धुलना है क्योंकि गर्म पानी में जो है ना वो ज़्यादा साफ़ होती है पिलोज़। सो टोटल जो इसकी वॉश साइकिल है वो सिलेक्ट हुई है 44 मिनट्स की। सो 44 मिनट्स रन करने के बाद ये देखिए ये पिलो जो है वॉश हो चुकी हैं, और इसके अंदर जो फिलिंग थी ना वो मैं एकदम दबा दबा के सारी लेवल कर रही हूँ। ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये देखिए एकदम चमकती हुई ब्रांड न्यू की तरह से एकदम रेडी हो गई है, ना ही इसमें कोई स्टेन है और ना ही कोई इसके अंदर स्मेल है। अब कोई भी नहीं बता पाएगा कि आप कड़वा तेल लगाते हैं सर में या फिर चमेली का तेल लगाते हैं, क्योंकि सन जो है वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, और इसलिए जो है मैं इसको बाहर रख दूंगी सनलाइट में, अच्छी तरह से ये सूख भी जाएगी और कोई भी स्मेल वगैरह होगी बैक्टीरिया तो वो सब निकल जाएगा। लेकिन पिलो वॉश करने में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पिलो के अंदर आपके कॉटन की फिलिंग है तो आप उसको मशीन में वॉश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिस्टर फिलिंग वाली पिलो ही वॉश कर सकते हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं सारी बॉटल्स अपने किचन में रिसाइकल्ड यूज़ करती हूँ। सो आप लोग पूछ रहे थे कि ये स्टिकर तो निकल जाता है लेकिन ग्लू नहीं निकलता, सो ग्लू कैसे निकालें? ग्लू भी जो है ना एकदम आसानी से बेकिंग सोडा से निकल जाता है। क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है पानी लेना है एकदम खौलता हुआ बॉयल्ड वाटर, और उसके अंदर हम 2 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा डाल देंगे, और उसके बाद जिस बॉटल का स्टिकर हमें निकालना है ग्लू के साथ वो हम इसके अंदर डिप कर देंगे। मेक श्योर करना है कि पूरा की पूरी बॉटल इसके अंदर डिप होनी चाहिए, तभी स्टिकर निकलेगा। और ये अनएडिटेड क्लिप है, मैं आप लोग के सामने एकदम निकाल के दिखाऊंगी, एक भी ग्लू कहीं भी नहीं रहेगा। सो 10 मिनट पूरा सोख होने के बाद ये देखिए कितनी आसानी से जो है ये स्टिकर निकल जाता है, प्लस कोई भी ग्लू का निशान इसके अंदर नहीं है। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी चमकती हुई बॉटल है। और इसी तरह से जो है ना आप अपने घर की सारी बॉटल्स को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से न्यू बॉटल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर करिएगा कि जो है ना आप इसको साबुन से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ किए हैं। जब तक आप अपना कुछ दूसरा काम करें, 10 मिनट के लिए बॉटल को जो है वो भिगा के रख दें। और देखिए विदाउट एनी एफर्ट सारा ग्लू स्टिकर सब निकल गया। सो मस्ट ट्राई है के ये अच्छा। और वो जो पानी था ना जिसके अंदर हम लोग ने बॉटल सोक किए थे उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका हम लोग जो है कहीं और यूज़ कर सकते हैं। उसी सेम पानी में हम लोग डिश वॉशिंग लिक्विड डालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद अपनी किचन की जितनी भी नैपकिन्स हैं ना वो इसके अंदर हम लोग सोक कर देंगे 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लोग इसको वॉश करेंगे। सो उस पानी का डबल यूज़ हो गया, और ये देखिए हमारे किचन भी की नैपकिन भी जो है ना वो एकदम साफ़ हो जाएगी। एक तीर से 2 निशान। एक और चीज़ जो है बेकिंग सोडा से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी हम लोग बेकिंग सोडा अगर गर्म पानी के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो है ना मास्क यूज़ करना है और ग्लव्स यूज़ करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफाई हो चाहे ना हो लेकिन सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए।
नेक्स्ट है टू क्लीन कटिंग एंड चॉपिंग बोर्ड विथ बेकिंग सोडा। चॉपिंग बोर्ड को हम लोग लगातार यूज़ करते रहते हैं और उसके अंदर डीप कट्स आते रहते हैं, बट हम लोग कभी उसको जो है ना एकदम डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं चॉपिंग बोर्ड की। सो महीने में एक बार जो है ना मैं इस तरह करती हूँ कि बेकिंग सोडा जो है वो अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी, थिक लेयर लगाने के बाद उसको जो है ना ग्लव्स पहन के अच्छी तरह से चॉपिंग बोर्ड पे फैला देना है। 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ने के बाद एक ब्रश से मैं उसको जो है ना तगड़ा हाथ लगा के धो दूंगी, और उसके बाद फिर साबुन से और पानी से आप जैसे नॉर्मल बर्तन वॉश करते हैं उस तरह से आप इसको धो दीजिए। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है ना वो सारे क्लीन हो जाएंगे और हल्दी वगैरह के दाग भी सब क्लीन हो जाएंगे। सो बहुत ही मतलब ज़रूरी है इसको महीने में एक बार करना, और स्पेशली ये वाइट चॉपिंग बोर्ड के लिए ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये देखिए कैसे पहला था और कैसे अब है, बिफ़ोर एंड आफ्टर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट ट्राई हैक, ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। आप सोच रहे होंगे ये मैं हैक बताते बताते कहाँ से ऑरेंज छिलने लगी। सो महीने में एक बार अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ऑरेंज ज़रूर लिखें। आप सोच रहे होंगे क्यों? ये ऑरेंज जो है ना मैं अपनी क्लीनिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो है ना मैं ऑरेंज का छिलका अच्छी तरह से निकाल के और एक बोल में पानी डाल के और उसी बोल में सारे छिलके को रख लूँगी। अब इस बोल को मैं डालूँगी माइक्रोवेव के अंदर और उसके बाद बिना कोई कवर लगाए माइक्रोवेव को ऑन कर दें 10 मिनट्स के लिए। अब आप सोचेंगे फिर इस ऑरेंज का क्या करें अगर आपके घर में कोई ऑरेंज नहीं खाता है। तो ऑरेंज अगर कोई खाने वाला नहीं है तो इसको एक ग्लास में डालें और इसको जो है ना हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। इतना ज़बरदस्त सा ऑरेंज जूस विटामिन सी से रिच एकदम रेडी, बच्चों को दे दें, बच्चे भी एकदम शौक से पियेंगे। और यहाँ पर देखिए माइक्रोवेव में 10 मिनट के बाद इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है ऑरेंज की, क्योंकि ऑरेंज की स्मेल जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और ये देखिए पूरा जो है एकदम वाटर वेपर जो है इसके ऊपर माइक्रोवेव के ऊपर आ गया है, स्टीम से ये भर गया है एकदम से। तो अब हम लोग जो है इसको निकाल देंगे और इसको अच्छे से एक डैम क्लॉथ से पोंछ देंगे। इस तरह से माइक्रोवेव में एक बार क्लीन करने से क्या होगा कि हम जितनी भी बेकिंग करते हैं ओवन में या कुछ भी गर्म करते हैं तो एक जो स्मेल आ जाती है ना माइक्रोवेव में, वो सारी स्मेल जो है वो निकल जाती है और माइक्रोवेव साफ़ करने में भी बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ कटलरी होल्डर। ये जो मेरा कटलरी होल्डर है ना ये स्टेनलेस स्टील का है और ये होल्डर जो है ये मेरा डेली यूज़ वाला है। जितने भी डेली यूज़ के स्पून्स वगैरह हैं वो मैं इसी में वॉश करके रखती हूँ। तो इस होल्डर में नीचे कोई होल नहीं है जिसके थ्रू पानी जो है वो पास आउट हो जाए, तो इसके नीचे पानी जो है ना वो जमा हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो इसके अंदर नीचे पूरा रस्ट लग जाता है, तो महीने में एक बार इसकी ज़बरदस्त किस्म की धुलाई होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने एक स्टेनलेस स्टील का बर्तन ली हूँ और उसके अंदर मैं केटल में पानी बॉईल करके डाल दूँगी। केटल में पानी मैं इसलिए गर्म करती हूँ ना ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए और गैस भी बच जाए। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा। मतलब आप कितना ज़्यादा बड़ा बर्तन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो छोटा सा बर्तन है ये तो 2 चम्मच बेकिंग सोडा जो है ना वो काफ़ी होगा। और इसके अंदर मैं पूरा जो है अपना बर्तन डिप कर दूंगी जो भी मुझे क्लीन करना है। अच्छा, यहाँ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि हम बेकिंग सोडा और पानी को बॉयल कर रहे हैं एक साथ। सो मैंने विंडो ओपन कर दी हूँ और यहाँ पे देखिए 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल करी हूँ तेज़ आंच पे, और इसको है ना मैं टर्न कर रही हूँ टाइम टू टाइम क्योंकि ये जो मेरा बर्तन है ये इतना बड़ा नहीं है कि इसके अंदर पूरा डिप हो जाए। सो मुझे जो है ना घुमाना भी पड़ रहा है इसको ताकि ये हर तरफ से नीचे से भी ऊपर से और बॉयल हो जाए अच्छी तरह से। सो बहुत ही केयरफुली आपको ये प्रोसेस करना है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ग्लव्स भी पहन लीजिएगा। ये साइड से तो हो गया था अच्छी तरह से लेकिन अंदर से अभी क्लीन नहीं हुआ था, तो मैंने क्या करी हूँ कि उसी सेम कटलरी होल्डर में ना बेकिंग सोडा और पानी डाल के अच्छी तरह इसको बॉईल करने के लिए 10 मिनट रख दी हूँ। इससे जो इसके नीचे बेस में जो रस्ट लगा हुआ है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो 10 मिनट जो है इसको मैं ऐसे ही बॉईल करूँगी। सो फाइनली 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल दिया, साबुन से अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश करी हूँ और अब मैंने इसको ड्राई कर ली हूँ। जो राउंड वाला है वो मैंने बेकिंग सोडा में वॉश करी हूँ और जो स्क्वायर वाला है वो पहले वाला है जो अभी वॉश नहीं हुआ है। सो ये देखिए एक है जिसमें इतना रस्ट लगा हुआ है और कितना गंदा सा मटमैला सा दिख रहा है, और दूसरा देखिए
जो मैंने बेकिंग सोडा में वॉश करी हूँ, क्या चमक रहा है, मतलब शक्ल भी दिख जाए इसके अंदर इंसान की। सो इसी तरह से ना आप अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन वॉश कर सकते हैं बेकिंग सोडा में, चाहे वो रोटी पकाने वाला दसपना हो, चाहे स्टेनलेस स्टील के चम्मच हो, टीस्पून हो, टेबल स्पून हो, या कोई भी चीज़ स्टेनलेस स्टील आप बेकिंग सोडा से चमका सकते हैं। जो हमारी सिंक होती है जिसके अंदर हम अपने डेली बर्तन वॉश करते हैं, उसको भी मैं बेकिंग सोडा से महीने में एक बार क्लीन करती हूँ। दोनों सिंक में जो है ना मैं बेकिंग सोडा डाल दूँगी, एक कप के करीब जो है वो डालना है, और उसके बाद बाकी जो सिंक का एरिया है ना उसके अंदर भी अच्छी तरह से मैं बेकिंग सोडा पूरा छिड़क दूँगी, और एक नॉर्मल स्पंज से उसको मैं फैला दूँगी। ज़्यादा नहीं रगड़ना है, बस ऐसा लगा देना है कि सारी तरफ जो है वो बेकिंग सोडा की कोटिंग हो जाए। और फिर ड्रेन के अंदर जो है ना मैं विनेगर डालूँगी, इससे जो है केमिकल रिएक्शन होता है बेकिंग सोडा और विनेगर का। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मास्क पहने रहें ज़रूर से, और विंडो भी ओपन रखिएगा। अब जो है ना उसी ड्रेन में हम लोग डालेंगे एक कप के करीब फिर से बेकिंग सोडा, और उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे 10 मिनट तक। और उसके बाद मैंने एकदम खौलता हुआ पानी ली थी केटल में, और उसके बाद मैं ज़ोर से पूरा डाल दे रही हूँ सिंक के अंदर, और उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से अपनी सिंक को वॉश कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि बेकिंग सोडा जो है ना वो ग्रीस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ग्रीस निकालने के लिए, और जितनी भी फाउल स्मेल आती है हमारे सिंक में से तो वो सब भी जो है ना निकल जाएगी। अब आप बोलेंगे कि हम तो ड्रेन ओपनर भी डाल सकते हैं इसमें, इतना झंझट करने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल आप डाल सकते हैं ड्रेन ओपनर, लेकिन जो बेकिंग सोडा जितना सस्ता आपको मिलेगा एक बड़ा पैकेट, उतना सस्ता आपको ड्रेन ओपनर नहीं मिलेगा। एक बड़े पैकेट बेकिंग सोडा में जो है ना आप पूरा किचन चमका सकते हैं पूरे महीने तक। सो इस तरह से पैसे भी बच जाते हैं, और ये एक होममेड क्लेंज़र है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी सिंक एकदम चमक गई है, और मैं अभी आपको ना एकदम सूखे कपड़े से पोंछ के फिर दिखाती हूँ कि कैसे जो है बेकिंग सोडा स्टेनलेस स्टील के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पूरी उसकी शाइन जो है ना वो वापस आ जाती है, और एक्चुअली ना यहाँ पे विंडो भी है ना तो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा है। महीने में एक बार जो है ना आपको सिंक ज़रूर से धोनी चाहिए बेकिंग सोडा से। ये देखिए अंदर भी पूरा एकदम साफ़ है, पूरा ड्रेन जो है वो एकदम ओपन हो जाता है। सो बेकिंग सोडा के अनलिमिटेड यूजेस हैं, और ये सारे हिडन यूजेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, और ये मैं अपनी डेली लाइफ में जो है ना इसको यूज़ करती रहती हूँ तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, मे बी आप लोग के लिए ये यूज़फुल हो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में रशियन सैलेड बनाने के लिए। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत दिन से बोल रही थी रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करने के लिए। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर मैंने एक कुकुम्बर चॉप कर ली हूँ, और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का एप्पल ली थी, उसमें से मैंने हाफ एप्पल ली हूँ, और उसको भी जो है ना बड़ा बड़ा डाइस मैंने चॉप कर ली हूँ। यहाँ माइक्रोवेव में मैंने फ्रोज़न मटर डाली हूँ, क्योंकि ये फ्रोज़न ऑलरेडी गली हुई रहती है, तो बस एक मिनट जो है मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी तो ये गल जाएगी। गैस पर मैंने एक बर्तन रख दी हूँ, और उसके अंदर मैंने केटल में पानी गर्म करके डाल दी हूँ। अब बॉइलिंग वाटर में एक कप जो है वो मैंने आलू ली हूँ, मतलब एक बड़े साइज़ का आलू था जो एक कप हो गया, और हाफ कैरेट मैंने ली हूँ जिसको मैंने बड़ा बड़ा डाइस का चॉप कर ली हूँ। अब जो है ना इसको बॉइलिंग वाटर में हम लोग पकाएंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 3 से 4 मिनट लगेगा तेज़ आँच पर, और जो है ये एकदम आराम से गल जाता है। ये देखिए आलू भी गल गया और कैरेट भी गल गया है। तो यहाँ साइड में बोल में मैंने ठंडा पानी निकाल के रखी थी, और डायरेक्टली इसको ना बॉइलिंग वाटर से निकाल के हम लोग ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कलर जो है ना वो फेड नहीं होगा, ठंडे पानी में वैसे ही कलर रहता है इसका। तो चलिए अब रशियन सैलेड की जो है ना वो सॉस तैयार करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पड़ेगा, एक कप जो है वो मैंने मायनीज ली हूँ, और आधा कप नेस्ले की मैंने फ्रेश क्रीम ली हूँ। अच्छा, ये टिन वाली क्रीम है, और नेस्ले की मैंने इसलिए ली हूँ क्योंकि इंडिया में जो है ना वो नेस्ले की क्रीम बहुत इजीली मिल जाती है। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट मैंने ऐड करी हूँ। इसके बाद जो है ना सबसे मेन इन्ग्रीडियंट इसका है वो है हनी। हनी जो है ना वो मैं फ्रेश वाली डाल रही हूँ, बिल्कुल जो अभी मैंने अपने ससुराल से लेके आई थी, और 1 टीस्पून के करीब डालना है। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और हनी इसलिए डाला जाता है कि जो है वो
तीखा, नमकीन और मीठा सब बैलेंस हो जाए। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दें तो सॉस रेडी है। अब इसमें हम लोग ने कैरेट जो बॉईल किए थे वो डालेंगे। उसके बाद एक कप बॉइल्ड पोटैटो, एक कप कॉर्न, ये भी बॉइल्ड है, और कुकुम्बर एक कप, और एक कप पाइनएप्पल, ये टिन वाला पाइनएप्पल है, और हरी मटर ग्रीन पीस हाफ कप, और वन कप एप्पल, और ये राजमा है बॉइल्ड राजमा, ये भी एक कप के करीब। और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, इसमें जो है ना कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ऐसे नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। जो चीज़ आपको और आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप ज़्यादा कर दें, और जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है उसको आप कम कर दें। सो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सेम उसी तरह अगर किसी को मायनीज़ और क्रीम भी नहीं ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसकी क्वांटिटी भी जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर लें। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाली हूँ गार्निशिंग के लिए पोमोग्रेनेट। सो रशियन सैलेड बहुत ईजी सा रेडी है, लेकिन इसको चिल्ड ही खाना है वरना मज़ा नहीं आएगा। किसी दावत में भी आप इसको रखेंगे ना तो चार चांद लग जाएंगे। सो ज़रूर ट्राई करिएगा रशियन सैलेड। और मैं इसको अभी रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। जब रात में हम लोग डिनर करेंगे और हस्बैंड आएंगे तो उस टाइम मैं इसको निकालूंगी। और यहाँ पे है ना शाम हो गई थी और हस्बैंड आ गए, और आते ही सीधे जो है ना वो चेयर लगा के बैठ गए हैं बाहर आरिस को लेके। क्या कर रहे हो? हम सूर्य बुरुज सुन रहे। क्या सुन रहे? सूर्य बुरुज। सूर्य बुरुज। आजकल ना शाम में एकदम अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पे, और बाहर बैठने का मज़ा ही एकदम अलग है। उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, बोलो ताल। आरिस की दोस्ती करवा रहे हैं, नया फ्रेंड बनवा रहे हैं आरिस का। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।